हेलो एवरीवन, मैं हूँ रामलखन पाल। कैसे हैं आप? इस ट्वाइट पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक सीरीज, भारतीय दंड संहिता 1860 का एक परिचय, जिसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने बात की थी उद्दापन यानी एक्सटार्शन के विषय में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लूट और डकैती यानी रॉबरी एंड डकैती के विषय में। तो आज हम जानेंगे लूट क्या है और लूट के अपराध में दंड का क्या प्रावधान किया गया है, डकैती क्या है, डकैती के अपराध में दंड का क्या प्रावधान किया गया है, लूट और डकैती में अंतर। तो लूट को अच्छे से समझने के लिए चोरी और उद्दापन को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आपने अभी तक चोरी और उद्दापन का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चोरी और उद्दापन पर बने हमारे वीडियो का लिंक दे दिया गया है, जिसको आप क्लिक करके सबसे पहले चोरी और उसके बाद उद्दापन का वीडियो देखिए। उद्दापन का वीडियो देखने के बाद तब आप लूट का वीडियो देखिए, ताकि आपको लूट अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि इस चैप्टर में जो चैप्टर है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें चोरी और उद्दापन और लूट और डकैती ऐसे ऑफेंस हैं जिनको एक सीक्वेंस में पढ़े जाने की जरूरत है, क्योंकि ये चारों ऑफेंस एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंकअप हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको सबसे पहले चोरी, उसके बाद उद्दापन, फिर लूट, फिर डकैती पढ़ना चाहिए। अगर आप डकैती पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद उद्दापन बाद में पढ़ेंगे, या लूट बाद में पढ़ेंगे, या लूट आप पहले पढ़ लेंगे तो उद्दापन बाद में पढ़ेंगे, या चोरी बाद में पढ़ेंगे, तो आप बहुत चीजें नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जरूरी है एक सीक्वेंस में पढ़ाई करें, चोरी, उद्दापन, फिर लूट और फिर डकैती। तो आइए अब लूट क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। लूट को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 390 में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में सबसे पहले यही कहा गया कि सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है, यानी कोई भी लूट बिना चोरी या बिना उद्दापन के नहीं हो सकती। चोरी कब लूट है? चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी को करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहत या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहत का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। तो चोरी की परिभाषा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी चल संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए उसकी सम्मति के बिना उसके कब्जे से हटाता है, तो वो चोरी करता है। अब वहाँ पे जो चोरी हो रही थी, जिस व्यक्ति के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी थी, उसको पता नहीं था कि हमारी प्रॉपर्टी की चोरी हो रही है कि नहीं, यानी वो नहीं जानता था कि कोई चोर उसकी प्रॉपर्टी को चुरा करके ले जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए उस व्यक्ति को भय में डाला जा रहा है, उसको मतलब तत्काल मृत्यु का भय दिया जा रहा है, तत्काल उपहति का भय दिया जा रहा है कि अगर तुम हमको ये प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे, या हम तुमको चोट पहुंचा देंगे, हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, या हम आपको किसी कमरे में उठा करके बंद कर देंगे, या बंद कर दिया जाता है। मतलब इस टाइप के भय में अगर किसी व्यक्ति को डाला जाता है और भय में डालने के बाद वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति को दे देता है यानी डिलीवर कर देता है, तो यहाँ पे लूट होगी। इसको कहते हैं लूट। यानी चोरी जो हम लोगों ने पढ़ा था, चोरी में अगर भय उत्पन्न हो जाए, चोरी में अगर हिंसा बढ़ जाए, हिंसा हो जाए, तो वो लूट हो जाती है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश मुकेश को दबोच लेता है और मुकेश के कपड़े में से मुकेश का धन और आभूषण मुकेश की सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। यहाँ रमेश ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा मुकेश को तत्काल उपाधि का भय कारित करता है, इसलिए रमेश ने लूट की है। अब इस इलस्ट्रेशन में बता रहा है कि रमेश जो मुकेश के कपड़े में से जबरदस्ती धन निकाल लेता है, आभूषण निकाल लेता है, और निकालने के बाद में उसको तत्काल उपाधि का भय देता है कि अगर नहीं निकालने दोगे या नहीं दोगे तो हम आपको चोट पहुंचा देंगे, हम आपके हाथ पैर तोड़ देंगे, आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। तो यहाँ पे मुकेश भयभीत हो गया, यानी मुकेश को भय कारित हुआ, इसलिए मुकेश ने क्या किया, अपनी संपत्ति रमेश को दे देता है। तो रमेश क्या कर रहा है यहाँ पे लूट कर रहा है, क्योंकि वह प्रॉपर्टी जो है मुकेश से जबरदस्ती छीन रहा है, जबरदस्ती ले रहा है। कैसे ले रहा है? भय कारित करके ले रहा है, उपहति का भय कारित करके ले रहा है। तो यहाँ पे रमेश लूट कर रहा है। तो देखते हैं उद्दापन कब लूट है। उद्दापन लूट है यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसका या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्दापन करता है, और इस प्रकार भय में डालकर इस प्रकार के भय में डाले गए व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहां ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। इसका स्पष्टीकरण कहता है, अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह
उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहत के, तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। तो इस परिभाषा की पहली जो लाइन है, उद्दापन कब लूट है, यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, तो यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको कि स्पष्टीकरण के माध्यम से समझाया गया है। तो उद्दापन की परिभाषा को हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 383 में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी इस तरह मांगता है कि अगर आप हमें ये प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो हम आपको ये नुकसान पहुंचा देंगे, या हम आपकी सम्मान का नुकसान पहुंचा देंगे, आपकी ख्याति का नुकसान पहुंचा देंगे, या हमारे पास जो आपकी प्राइवेट वीडियो है हम उसको वायरल कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी ख्याति की हानि होगी। तो वहां पे क्या था कि उस व्यक्ति को जो विक्टिम है उसको हानि पहुंचाने की तो धमकी दी जा रही थी, लेकिन वहां पे उसको तत्काल भय नहीं दिया जा रहा था कि हम आपके हाथ पैर तोड़ देंगे या हम आपको भी गोली मार देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उद्दापन करते समय जो उद्दापन करता है, जो उद्दापन कर रहा है, वो उस व्यक्ति को गोली सटा करके, यानी उसको रिवाल्वर सटा करके कह रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी हमको नहीं दोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे, या अगर ये तुम प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। तो यहाँ पे जो उद्दापन हो रहा है वो लूट में बदल गया, क्योंकि यहाँ पे तत्काल मृत्यु का भय, तत्काल सदोष अवरोध का भय, तत्काल उपहति का भय देकर के उस व्यक्ति से प्रॉपर्टी क्या की जा रही है, उद्दापित की जा रही है, यानी उस व्यक्ति से प्रॉपर्टी मांगी जा रही है, ली जा रही है जबरदस्ती कि अगर ऐसा नहीं दोगे तो हम आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। इसलिए यहाँ पर अपराधी जो है, जो उद्दापित कर रहा है उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को, वो लूट कर रहा है, क्योंकि वह उद्दापित करने वाले व्यक्ति को, यानी जो विक्टिम है, उसको भय में डाल करके उससे प्रॉपर्टी ले रहा है। तो यहाँ का उद्दापन जो है वो लूट में बदल गया, ये लूट हो गया। उद्दापन कब लूट है इसको एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश मुकेश को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और मुकेश की पर्स मांगता है, परिणाम स्वरूप मुकेश अपनी पर्स दे देता है। यहाँ रमेश ने मुकेश को तत्काल उपहत का भय दिखलाकर पर्स उद्दापित की है, और उद्दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, अतः रमेश ने लूट की है, क्योंकि रमेश ने जैसे ही पिस्तौल दिखलाई तो वहां पे मुकेश भयभीत हो गया, डर गया कि जो है रमेश मुझे गोली मार देगा, इसलिए मुकेश ने अपनी पर्स उसे दे दी, यानी रमेश ने यहाँ पर क्या किया, लूट की। तो अभी तक हम लोगों ने लूट की परिभाषा को समझा, अब हम जानेंगे लूट के अपराध में दंड का क्या प्रावधान है। धारा 392, 393 तथा 394 लूट के लिए दंड का प्रावधान करती हैं। धारा 392 के अनुसार जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर लूट कोई व्यक्ति किसी राजमार्ग पर करता है और वो उसके टाइमिंग जो है सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय के बीच की है, यानी कि पूरी रात की है, तो वहां पे जो पनिशमेंट है वो 10 वर्ष से सीधे आजीवन कारावास में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑफेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रात का जो समय होता है उस समय फियर, मतलब कि डर बहुत होता है जिस व्यक्ति के साथ लूट की जा रही है, तो इस वजह से इसमें 14 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। फिर धारा 393 जो लूट के प्रयत्न करने के विषय में बात करती है। धारा 393 के अनुसार जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी जो कोई व्यक्ति लूट करने का प्रयत्न करेगा तो उसके लिए धारा में सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद धारा 394 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया उपहत कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट करने का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संप्रक्त होगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये तीन धाराएं 392, 393 और 394 जो कि लूट के लिए दंड का प्रावधान करती हैं, जो कि अलग अलग फॉर्मेट में है, जिसमें किसी में प्रयत्न किया जा रहा है, किसी में राजमार्ग पे सूर्यास्त के बाद लूट करने की बात कही जा रही है,
और किसी में प्रयत्न करने में स्वेच्छा उपहत्कारित करने की बात कही जा रही है। तो इन तीनों धाराओं में लूट के दंड के बारे में बताया गया है। तो अब हम डकैती को समझेंगे। डकैती क्या है? डकैती जिसको कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 391 में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार जबकि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है कहा जाता है कि वह डकैती करता है। तो इस परिभाषा को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि ऐसी कोई लूट जिसमें पांच या उससे अधिक लोग हैं, यानी पांच या उससे अधिक लोग मिलकर के अगर कोई लूट को अंजाम देते हैं, कोई लूट करते हैं, तो वह डकैती हो जाता है। वह किसमें बदल जाता है? डकैती में। तो डकैती को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए छह लोगों ने कॉमन इंटेंशन रखते हुए, यानी सामान्य आशय रखते हुए, किसी के घर को लूटने की योजना बनाई और उसके परिणाम स्वरूप वो गांव में घुस गए। गांव में जैसे ही घुसे तो दो लोग गांव के किनारे ही रुक गए और ये कहने लगे कि हम जो है कोई पुलिस आएगी या कोई व्यक्ति आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। बाकी चार लोग जाकर के घर के अंदर घुस गए। चार में से दो सामान उठा रहे हैं घर का और दो लोगों ने क्या किया है कि दो लोगों ने मिलकर के दो लोगों पे रिवाल्वर लगा रखी है घर के लोगों पे कि अगर तुम बोलोगे या चिल्लाओगे या कुछ भी करोगे या हमें सामान नहीं ले जाने दोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो यहाँ पे छह लोगों का सेम इंटेंशन था, तो यहाँ पे वही लूट जो वो कर रहे थे वो डकैती में बदल गई। अब छह लोग थे क्योंकि उसकी परिभाषा में बताया गया है कि पांच या उससे अधिक लोग, अब वो किसी भी तरह से उसमें हेल्प कर सकते हैं। यानी छह लोग थे, अब बेशक वो व्यक्ति बाहर खड़े होकर के केवल ये देख रहा था कि कोई आएगा तो हम बताएंगे और दोनों मिलकर के यही देख रहे थे, बाकी चार लोग थे, चार लोगों में से दो सामान लूट रहे थे, दोनों रिवाल्वर लगा रखा था, लेकिन सबका इंटेंशन सेम था, सबका इंटेंशन था लूट करने का। और लूट में जब संख्या पांच या उससे अधिक हो जाएगी, यानी चार तक रहेगी तो वो लूट होगी, और जैसे ही पांच या उससे अधिक हुई तो फिर वो डकैती बन जाएगी। तो यहां पे ये छह लोग मिलकर के क्या कर रहे थे? डकैती कर रहे थे। तो अब डकैती की परिभाषा को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि डकैती से संबंधित दंड किन किन धाराओं में दिया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 395 से लेकर 402 तक डकैती की विभिन्न परिस्थितियों में दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 395 के अनुसार जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 396 कहती है यदि ऐसे पांच या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, यानी हत्या सहित डकैती कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 396 बात करती है हत्या सहित डकैती के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर डकैती करते समय, यानी पांच या छह लोग जितने भी लोग मिलकर के डकैती कर रहे थे उसमें से अगर एक भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया, यानी किसी पीड़ित पक्षकार को जिसके घर में वो डकैती करने के लिए गए थे उसके घर के किसी व्यक्ति को अगर वो गोली मार देते हैं या किसी तरह से उसकी हत्या कर देते हैं, तो उस हत्या के लिए जितने भी लोग डकैती करने के लिए गए थे सभी को लायबल ठहराया जाएगा और सबको बराबर सजा से पनिश किया जाएगा। इसमें मृत्यु से या आजीवन कारावास से कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा। अब इसके बाद धारा आती है 397। धारा 397 के अनुसार यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा या किसी व्यक्ति को घोर उपहत्कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहत्कारित करने का प्रयत्न करेगा तो वह कारावास से, जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा, 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि लूट या डकैती करते समय अगर अपराधी जो है वो घातक आयुध, मतलब कि बहुत खतरनाक हथियार रखे हुए, बंदूक रखे हुए है या कोई तोप रखे हुए है या कोई विस्फोटक सामग्री रखे हुए या कोई चाकू रखे हुए है, तो उस वह व्यक्ति जो है या वह कोई घोर उपहार
कारित करना चाहता है या कारित कर रहा है या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपाध कारित करने का प्रयत्न कर रहा है तो वह कारावास से कितनी सजा, 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है इस धारा में। इसके बाद आती है धारा 398। यदि लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा तो वह कारावास से, जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा जो 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। यानी लूट या डकैती के प्रयत्न में अगर कोई व्यक्ति जो है आयुध रखेगा, खतरनाक सामग्री रखेगा, कोई विस्फोटक रखेगा, उससे सुसज्जित होकर के अगर वह अपराधी जो है कोई प्रयत्न करेगा तो वो कम से कम 7 साल तक की सजा उसको जो है मिलेगी। इसके बाद आती है धारा 399। धारा 399 के अनुसार जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पे डकैती करने की मात्र तैयारी को ही दंडनीय बनाया गया है, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 399 के अंतर्गत दंडनीय है, जो कि 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखती है। इसके बाद धारा आती है 400। धारा 400 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हो, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 401 कहती है कि जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या किसी टोली का होगा जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हो और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली न हो, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद देखते हैं धारा 402। धारा 402 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इन सभी धाराओं को पढ़ने के बाद एक चीज स्पष्ट निकल करके आती है कि डकैती एक ऐसा अपराध है जिसकी तैयारी करना, उसका प्रयत्न करना या डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना, ये सभी चीजें पनिशेबल हैं। और डकैती करना, ये मतलब ये कहा जा सकता है कि डकैती एक ऐसा ऑफेंस है जो अपने हर एक स्टेजेज में, अलग अलग स्टेजेज में पनिशेबल है। मतलब डकैती को करने के लिए केवल कोई व्यक्ति उसके आशय से अगर एकत्रित तक होंगे तब भी वो सजा, जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी, उतनी सजा उनको दी जाएगी। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे लूट और डकैती में अंतर क्या है। देखिए, लूट और डकैती में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लूट और डकैती में अंतर के बारे में केवल ये कहा जा सकता है कि लूट मैक्सिमम 4 लोग होंगे तो वो लूट होगी, और 4 से जैसे ही संख्या इंक्रीज होगी, 5 या उससे अधिक हो जाएंगे तो वो डकैती में बदल जाएगी। यानी डकैती और लूट में सिर्फ यही अंतर है संख्या का। अगर डकैती में क्या है कि डकैती में 5 या उससे अधिक लोग होने चाहिए, और लूट में क्या है, लूट में 4 तक लोग हो सकते हैं, 1 से लेकर के 4 तक, और जैसे ही 5 होंगे या उससे अधिक होंगे तो वही लूट डकैती में बदल जाएगी। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना लूट क्या है, लूट के अपराध में दंड का क्या प्रावधान है, डकैती क्या है, डकैती के अपराध में दंड का क्या प्रावधान है, लूट और डकैती में अंतर। अब हम आज पूछेंगे आपसे कुछ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, मुकेश जो कि बिठूर में किराने की दुकान चलाता है, रात 9 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद दिन भर की कमाई लेकर अपने घर चौबेपुर जा रहा था। रास्ते में विकास एवं उसके 4 अन्य साथियों ने मिलकर मुकेश को रोका और मुकेश को जान से मारने का भय दिखाकर उसके पास से उसकी मोटरसाइकिल और दिन भर की कमाई ले ली। अब मुकेश थाना चौबेपुर जाता है और सारी घटना बताने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहता है, तो चौबेपुर थाने में किस अपराध की रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए, अन्वेषण अधिकारी को किस यानी किन धाराओं के लिए अन्वेषण करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न है, मुकेश अपनी दुकान बंद करने के बाद दिन भर की कमाई लेकर रात 10 बजे अपने घर चौबेपुर जा रहा था। रास्ते में राजमार्ग पर विकास, अमर, सुरेश और सनी ने मिलकर मुकेश को रोका और जान से मारने का भय दिखाकर मुकेश से उसकी दिन भर की कमाई ले ली। अब मुकेश थाना चौबेपुर जाता है और सारी घटना बताने के बाद रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहता है, तो चौबेपुर थाने में किस अपराध के रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए, अन्वेषण अधिकारी को किन धाराओं के अंतर्गत अन्वेषण करना चाहिए। तो इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के सही जवाब दीजिए।
तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज के इस छोटे से लेक्चर में लूट क्या है, लूट के अपराध के दंड के विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं, डकैती क्या है, डकैती के अपराध के विषय में दंड के क्या प्रावधान किए गए हैं, लूट और डकैती में अंतर, इस छोटे से लेक्चर में मैं समझाने में सफल रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बताएं अगर इस वीडियो को बनाने में अभी किसी प्रकार की कोई कमी रह रही है तो हम उसमें सुधार करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है और हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ, हम जिस उद्देश्य से वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसको कितना फुलफिल कर पा रहे हैं, यानी उस उद्देश्य को कितना अचीव कर पा रहे हैं, उसको कितना प्राप्त कर पा रहे हैं। और इस चैनल को यानी स्टूराइड को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल स्टूराइड के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।